आने वाले जो इलेक्शन है वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान का ही है। पर इलेक्शन कोई भी नहीं देता, गरीब बंदे का कोई नहीं। अगर इमरान खान को नाहल करार दिया जाए आप किसको वोट देंगे? हम पीटीआई को वोट देंगे भाई। नाहल इमरान खान को नाहल इमरान खान पीटीआई तो नहीं है ना, पीटीआई में बहुत सारे बंदे हैं। इमरान खान जी पक्का इमरान, पक्का इमरान। इमरान खान लेना चाह रहा था ना पेट्रोल, नहीं लेने दिया इन्होंने, आज क्यों ले रहे हैं रशिया से पेट्रोल? रहमान रही, मैं हूं आपका होस्ट अनिसान और आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया। रावतपिंडी के इलाका रावजा बाजार में मौजूद हूं। आने वाले जो इलेक्शन है आवाम का वोट कहां जाता है, चलते हैं आवाम से पूछते हैं कि वो वोट किसको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह क्या हाल है, क्या हाल, ठीक है हैरियत से? आने वाले जो इलेक्शन है आप वोट किसको देंगे? जरा ये आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं बताते भी। क्यों? बस हालात खराब है। बस किस तरह हालात खराब है कि किसी को वोट दे दे? किसी को वोट नहीं, महंगाई है, महंगाई है यार, और बात है। तो ऐसा कोई बंदा लेना चाह रहे कि जो गुर्बत खत्म करे, महंगाई को खत्म करे, किसको लेना चाहो? सिराजुल हक को देगा। सिराजुल हक। आने वाले जो इलेक्शन है वोट किसको देंगे? वोट का जो हालात जा रहे हैं क्या बता सकते हैं आप? किसको फिर भी? तो रान रान को नॉन लीग को दे देंगे आप। नॉन लीग को। आने वाले जो इलेक्शन है आप वोट किसको देंगे? इमरान खान। इमरान खान को। तो भाजपा, इमरान खान एक सच्चा लीडर है। ये मुल्क की जो हालात हो गए देखे, गरीब मर रहा है बंदा, हालात देख ले मुल्क के आपको दे। अब इमरान खान को नाहल करार दिया जाता है तो आप फिर किसको देंगे? बस कोई और पार्टी सेलेक्ट करोगी या नहीं? नहीं सिर्फ इमरान खान। आने वाला जो इलेक्शन है वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को? जी जी। तो उसकी वजह क्या है? इसमें नवाज शरीफ ने जो 2018 में पाकिस्तान छोड़ के चला गया था, इमरान खान ने वो पाकिस्तान जाया कर दिया। 3 साल में पाकिस्तान की वो तो भाई की इतना कर्जा लिया जो 30 सालों में जो नवाज शरीफ ने लिया, और 30 सालों में 30 अरब कर्जा लिया है। तो पाकिस्तान का जो बुरा हाल हुआ है पाकिस्तान बहुत। इमरान खान तो कह रहे थे कोरोना की वजह से ये सारा। नहीं, इमरान खान की सिर्फ बातें थी, इमरान खान हमने तौर पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ वो बातों से काम कर रहा था। अच्छा। बस वो पहले कहता नहीं पाकिस्तान, फिर कहता नहीं जो अमेरिका ने तर्क किया, इसने भी एक काम जुटू किया। सिर्फ बातें इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगर नवाज शरीफ ने बनाया, देखे मोटर पर बनाई है पाकिस्तान के लिए क्या कुछ बनाया है, तो इसलिए नवाज शरीफ जो इमरान खान से बेहतर। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। आने वाले जो इलेक्शन है आप वोट किसको देंगे? पीटीआई को। वजह? वजह क्या बोला, हमारा मर्जी है। आपकी मर्जी है। अच्छा हमारा वजह क्या है जी? और लीडर साफ सुथरा है। अच्छा इमरान खान को नाहल करार दिया गया, फिर आप किसको वोट देंगे, कौन सी पार्टी फिर आपको पसंद करोगे? किसी को भी। सवाली थे क्या हाल है, ठीक है हैरियत से? ठीक। आने वाले जो इलेक्शन है वोट किसको देंगे? डोनाल्ड ट्रंप को। नहीं कोई इरादा नहीं, कोई इरादा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आने वाले जो इलेक्शन है वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान का ही है। वजह? बस हम उसके फैन हैं, उसने हमें तरीकाकार सिखाया जीने का। अच्छा जीने के तरीकाकार सिखाया जी जी। अगर इमरान खान को नायल करा दिया जाए फिर आप किसको वोट देंगे? वोट ही नहीं देंगे। किसी पार्टी को भी वोट नहीं देंगे? किसी पार्टी को नहीं वोट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है हैरियत सर? भाई आने वाले जो इलेक्शन है वोट किसको दे रही है? इलेक्शन कोई भी नहीं देते, गरीब बनने का कोई नहीं सोचता, बहन जो ताले करते हैं गरीब बनने का, तब सोचे ना चलान ना करे, हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं देते, किस चीज़ की इंसानियत है? गरीब बंदे अब मोटरसाइकिल की कापी नहीं है, घर भूल जाते हैं, हेलमेट पहना मतलब आपने पहना एकदम आगे आ जाते, चलान काट देते, एक ही चीज़ की इंसानियत है? वोट तो लेने की बारी फट फट आगे आते हैं, गरीब आवाम को सहूलत भी दे ना। अच्छा गरीब का सहूलत नहीं है, कहते हेलमेट पहनो, मैंने कहा यार हेलमेट पहनता हूँ आगे आ जाता है। अच्छा कहते बैठ के साइड पर लगा, मैं क्या चलान करेगा, कहते हेलमेट आप पहने, खाली तस्वीर खींच ली, तो फिर उसने खींची है मोबाइल पे, ठीक है हेलमेट उतार दिया। अच्छा कहता पहनो, मैंने कहा यार पहन दू आगे आ जाता, कहते यार समझा खार हमने कागज करवाई करनी है। अच्छा फॉर्मेलिटी पूरी करनी है? फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, हम गरीब लोगों से पूरी करते हैं। मतलब ये आप कह रहे हैं कि उसने कहा कि हेलमेट पहनो, सिर्फ तस्वीर खींचनी है, फिर आप बेशक पहनो या ना पहनो? पहने नहीं चलान करते हैं। अच्छा तो चलान करते हैं, एक ही चीज़ की इंसानियत है, चलान एक बना मोटरसाइकिल की कापी नहीं लाता, आप हैं मिसाल तौर पर आपका मैच खराब हो जाता है, सारी कोई चीज़ आप भूल जाते हैं, कापी नहीं है, देखते हैं यार गाड़ी का भी बोल के हर चीज़ हो, शनाख्ती कार्ड चला ये कर देते हैं, जो जगह करते हैं वहाँ पे जो मजदूर बने हैं, वाली साहब मेरा मजदूर है 20,000 रुपये मकान का किराया, जो कमाए हमें पुलिस वालों को ड्राइवर वाले को दे दें तो घर क्या लेके जाए, मेरा भी दाखिल पेड़ लगा है ना। अच्छा आप किसी को वोट देंगे?
वोट की दी को नहीं देनी था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हां ले ठीक है खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आने वाले जो इलेक्शन है आप किसको देंगे वोट? इमरान खान। वजह क्या है इमरान? भाई इमरान खान ने गरीबों का सोचा है, ठीक है, गरीबों का सोचा है। ये हुकूमत जो है इन्होंने तो गरीब को बिल्कुल मार दिया है जी भाई जान। अगर इमरान खान को नायल करार दिया जाए फिर आप किसको कौन सी पार्टी पसंद करोगे? फिर किसी को वोट नहीं देंगे इमरान खान के अलावा। इमरान खान के अलावा किसी को भी? जी किसी को भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। आने वाले जो इलेक्शन है वोट किसको देंगे? सर जी ये तो वक्त जाएगा, आप ही नहीं निकाल सकेगा। जी सर वो फर्क बताएगा। फिर भी आप कौन सा पार्टी? आप सर जी पार्टी क्या जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने 30 साल हुकूमत किया है वो क्या गलत है? जो अभी नए नए नौजवान यंग जनरेशन आ गई है सो देखें अभी क्या हालात हैं वोट के। अच्छा आप नॉन लीग को देंगे? इंशाल्लाह नॉन लीग जो है ना फिलहाल कदरे आन पे तो है अभी। ये तो मैं भाई उनकी वजह तो नहीं है नवाज शरीफ की वजह से, ये मैं भाई तो अभी जो जो आए जिस दिन से कदम जिन्होंने रखा है इस मुल्क में उनकी वजह से है। वालेकुम। क्या है? ठीक है खैरियत से। आने वाले जो इलेक्शन है वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह इमरान खान का है। क्या वजह है इमरान खान की? इमरान खान सच्चा है, हाँ ईमानदार है। आप खुद जज करके बताएं कौन ईमानदार है। अगर इमरान खान को नाहल करार दिया जाए आप किसको वोट दें? हम पीटीआई को वोट देंगे भाई। नाहल इमरान खान को नाहल इमरान खान पीटीआई तो नहीं है ना, पीटीआई में बहुत सारे बंदे हैं। शाह महमूद कुरैशी को वोट देंगे। अच्छा शेख रशीद को वोट देंगे। अवामी मुस्लिम लीग को वोट देंगे। हमारा शहर है, हमारा घर है, आप हम तो वोट इसी को देंगे। आप किसको वोट देंगे? मैं इमरान खान को वोट देंगे मेरे। क्या वजह है इमरान खान? इमरान खान में इंसानियत है। इंसानियत है। हाँ अगर इमरान खान को नायल करार दिया जाए फिर आप क्यों नायल करा दे? वजह से इलेक्शन वो इलेक्शन कमेटी वो नायल करार दिया जाए वो ये तो बस पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है जब उसको नायल करार दे देने किस बात दे उसको नायल करार दे। वो वहाँ के साथ जुल्म किए। किसने जुल्म किया? इमरान खान कह रहे हैं, इमरान खान नवाज शहबाज शरीफ कह रहे हैं इमरान खान ने आवाम के साथ जुल्म किया, महंगाई किया। ये किसने महंगाई किया? तो 100% महंगाई है यार, क्या कर रहे हो आप? पूरी दुनिया में अभी आप सर्वे करो ना आप तो उसमें देखो 38% महंगाई है हमारे मुल्क में। कोई दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है जितनी हमारे मुल्क में महंगाई है। 38% महंगाई हो। उस टाइम में इमरान खान की हुकूमत थी वो कह रहे थे इमरान खान की हुकूमत महंगाई। ये देखे नीचे पार्किंग बन गई है, इससे पहले क्या था ये आपको पता है? ये गरीबों को यहाँ पे खाना देते थे, पनाहगाह थी। अभी देखे वहाँ पे बंदा स्पेशल खड़ा हुआ है गवर्नमेंट का कि वो लोगों को अंदर बुला रहा है नीचे पार्किंग के लिए। गरीबों को खाना देता था, मुफ्त इलाज देता था इमरान खान। इन्होंने क्या दिया? रोड दिया हमें। रोड पे क्या करेगा? रोड पे खाना खाएंगे? रोड पे तो मजदूरी भी नहीं कर सकते। ये लोगों को भी धक्के मार के बाहर निकाल दे। वो देखो लिफ्टर खड़ा हुआ है गरीबों को, मोटरसाइकिल उठा रहा है। बस मैं भी इसीलिए खड़ा हूँ मेरा मोटरसाइकिल उठा के ना चले जाए मेरा दोस्त यार। तो बात ये है मेरे भाई, हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ जो बंदा सीधा काम करता है उसके ऊपर केस होते हैं। लियाकत अली खान को पकड़ा गया नहीं? पकड़ा गया ना लियाकत अली खान तो एक इसी चौक में मारा गया ना लियाकत अली खान को। क्यों मारा गया? क्योंकि वो मुल्क के लिए मुखलिस था, ठीक है। उसके बाद ज़िया सारे ये जर्नैल आने शुरू हो गए, उसके बाद हमारे मुल्क में कुछ नहीं बचा। साथ हमारा मुल्क है उसकी GDP कहाँ पे ग्रो कर रही है आप देखो, इंडिया है ना कहाँ पे ग्रो कर रहा है? GDP कहाँ जा रही है उसकी? हमारे मुल्क की कहाँ जा रही है? हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, हमारे से बराबर ही था। अब वो आज कहाँ ग्रो कर रहा है? एक साल पहले मोदी पे पाबंदी लग दी, अगले साल मोदी के ऊपर आप कह रहे हैं जी चलो जी तालियां बजा रहे हैं, अमेरिकन पार्लियामेंट बजा रही है। किस वजह से बजा रही है? क्योंकि हमारी पॉलिसी ही गलत है। इमरान खान ने पॉलिसी सही बनाई थी, उस वक्त रूस से पेट्रोल ले लेते जिस टाइम इंडिया ने बेनिफिट उठाया तो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचे होते। इमरान खान लेना चाह रहा था ना पेट्रोल, नहीं लेने दिया इन्होंने। आज क्यों ले रहे हैं रशिया से पेट्रोल? किस वजह से ले रहे हैं? आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। आने वाले इलेक्शन में वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं। सवालिकौन चाचू, आने वाले जो इलेक्शन है वोट किसको देंगे? इलेक्शन तो आने दो ना भाई, इलेक्शन आ जाएगा, सर्वे करते आप बताया किसको वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान जी पक्का? इमरान पक्का। इमरान